और केले की गिरी कूड़ेदान में डालती है और केले का जो छिलका है वो गोविंद के मुंह में जैसे ही दिया, मेरे गोविंद ने जैसे ही केले का छिलका पाया। बिदरानी को भगवान ने तारीफ करते हुए कहा, चाची तुम्हारे केले में बहुत स्वाद है, एक और तो ना। जैसे ही मेरे गोविंद की वाणी सुनी गदगद हो गई बिदरानी, और बिदरानी ने दूसरा केला तोड़ा, उसको छीला, केले की गिरी घोड़े दान में डाली और मेरे गोविंद के हाथ में दूसरा केले का छिलका जम दिया। मेरे गोविंद ने वो भी केला पाया और तारीफ की, चाची बहुत स्वाद आ रहा है, एक और दो ना। जैसे ही मेरे गोविंद ने कहा, तुरंत बिदरानी ने तीसरा केला छीला। इस प्रकार आज भगवान को केला के छिलका खिलाती जा रही है बिदरानी और भगवान केले के छिलके पाते जा रहे हैं। बेसुध में देती रही राहन तन का भाव, बेसुध में खाते रहे कृपा सिंधु भगवान। मेरे गोविंद आज केले के छिलका पाते जा रहे हैं और विदुरानी केले के छिलका खिलाते जा रही है। उसी समय बाजार में विदुर जी का अचानक जब आगमन हुआ और वो जो दृश्य का अवलोकन किया विदुर जी ने विदुरानी को डांट लगाई है, अरे बावली मेरे ठाकुर को तू केले की छिलका खिला रही है, तू हंस, मैं भगवान को खिलाऊंगा। इतना कहकर विदुर जी झट से गए और केले को अपने हाथ में लेकर गिरधर के मुख में जैसे ही केले की गिरी खिलाई है, मेरे गिरधर ने एक केले की गिरी खाई, भगवान को डकार आ गई। भगवान ने विदुर जी को कहा, चाचा जी मेरा तो पेट भर गया है, लेकिन चाचा जी सच बात बताऊं तो आपने जो मुझे केले की गिरी खिलाई उससे अनंत गुना स्वादिष्ट तो मेरी विदुरानी चाची के हाथ के भाव के केले के छिलके में आ रहा था, वो स्वाद नहीं आया। जो केले की छिलके में स्वाद आया था वो स्वाद आपके हाथ के द्वारा दिया हुआ केले की गिरी में मुझे स्वाद नहीं आई।